यहाँ से रोड करना है। तो दोस्तों देखिए जी एस रोड ना हो गया था पिच और फिलहाल। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों बात यह है, कोई कॉल तो आता ही नहीं, इसी वजह से घर से आया भी आज बहुत ही देरी से दोस्तों। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ना ही आऊँ, लेकिन क्या ही करूँ दोस्तों, मन भी नहीं मानता है। और आज क्या हो गया दोस्तों, इतने दिन तो बारिश नहीं था। जब मैं घर से निकला दोस्तों उस टाइम में बारिश नहीं था, तो जस्ट जब मैं IGP पहुंचा उस टाइम में बारिश आ गई दोस्तों। तो उसी टाइम बारिश आ गया, बारिश आने के साथ साथ मैं सोच रहा था कि बारिश आ गया तो काम मिलना मुश्किल है, तो क्या होगा कुछ पता नहीं दोस्तों। अभी भी बारिश गिर ही रहा है, कब तक गिरेगा कोई पता नहीं, गिर ही रहा है दोस्तों अभी भी, कब तक गिरेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। और जब तक गिरेगा कुछ काम मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों, ऐसा हालत हो चुका है अभी मार्केट का। सो वही आ गया डायरेक्ट ऑकलैंड में बारिश साथ में लेके, तो साथ में नहीं लेके आया हो, आधा रास्ता से लेके आया हो, कि जब मैं IGP पहुंचा उसी टाइम से बारिश आया, इतना टाइम तो नहीं था। तो वेट करते हैं दोस्तों, दोस्त भी यहाँ पे ही है, तो जाऊंगा उसका गाड़ी में बैठता हूँ, देखता हूँ क्या होता है आज। वैसे तो काम मिलना मुश्किल है बारिश होने से, वैसे बिना बारिश का ही काम नहीं मिलता दोस्तों, ऊपर से आ गया बारिश तो क्या ही काम मिलेगा आज, किसी का कुछ गारंटी नहीं है दोस्तों, तभी वेट तो करना पड़ेगा। तो करते दोस्तों वेट, देखते क्या होता है, चलते हैं। फाइनली कॉल आ चुका है, क्या ही बोलो दोस्तों, 2 बजे में आया था, 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 4, अभी 4:30 हो रहा है, मतलब 4:30 हुआ नहीं, टाइम हो रहा है 4:27, तो 3 मिनट बाकी है। तो भैया का कॉल आया दोस्तों, तो भैया का तो मतलब कुछ सामान का ऑर्डर दिया हुआ था शायद डेम्सजोंग में, हाँ डेम्सजोंग में एक मतलब कारखाना है, वहाँ से एक सामान लेके मुझे आना है GS रोड, भैया का दुकान में रखना है। चले दोस्तों निकलते हैं, जाते हैं दोस्तों अभी डायरेक्ट डेम्सजोंग। ऑफिस वाला जो मतलब जो है वही है, ये एक्चुअली ऑफिस स्टील अलमीरा है। तो चलो दोस्तों निकलते हैं, जाते हैं अभी GS रोड भैया का दुकान में डायरेक्ट, वैसे तो रास्ता फिलहाल खाली है, फटाफट निकल जाता हूँ यहाँ से। तो फाइनली पहुंच गया GS रोड, सामान उतार लेते हैं फटाफट, सामान उतार के मिलते हैं दोस्तों। मैं पहुंच गया भैया का दुकान के सामने, अभी हैदर को कॉल करूंगा, हैदर के सामान बाप क्या है, सामान उतार के मिलते हैं दोस्तों, हैदर को मैंने बुला लिया। Inches later. तो दोस्तों फाइनली सामान उतरना हो गया कुछ, और फिलहाल गाड़ी GS रोड में रखा हुआ थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि और काम तो मिलना मुश्किल है। करते हैं दोस्तों वेट, और तो काम मिलेगा नहीं मुझे, मैं ये तो डेफिनेटली बोल ही सकता हूँ, तब भी थोड़ा टाइम रुकता हूँ, क्या होता है देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं। 2 hours later. सो दोस्तों फाइनली 2 घंटा रुकने के बाद मैं चला आया, एक्चुअली आज ज़्यादा ही रुक गया दोस्तों, और GS रोड से हिला ही नहीं, GS रोड से डायरेक्ट घर चला आया दोस्तों। एक्चुअली जो दोस्त था वो उसका गाड़ी था ऑकलैंड में, तो वो मुझे बुला रहा था, लेकिन मैंने बोला कि तुम बैठ, आज मैं यहाँ पे बैठता हूँ, और यहाँ से फिर डायरेक्ट घर चला आया दोस्तों। सो वही
भैया का एक ही काम मिला है। तो वीडियो अगर पसंद है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो देख के अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, फिर कल मिलते हैं ब्लॉग के साथ। जय हिंद।